एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है वेडनेसडे और अभी टाइम हो रहा है मॉर्निंग का 7:30। मैं हूँ किचन में और मैं अभी बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट और बच्चों के लंच बॉक्स में देने के लिए एक बहुत ही हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी। तो मैं बनाऊंगी आटे का चीला। तो यहाँ पे मैं 2 कप गेहूं का आटा ले लिया, उसके साथ नमक और हल्दी पाउडर डाल के थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के मैं एक थिक बैटर बना लूंगी। और पानी एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालूंगी तो उससे आटे में गुठलियाँ नहीं बनेगा। तो एक ठीक बैटर बनाने के बाद बैटर में मैं मिला लूंगी, मैं यहाँ पे बारीक चॉप करके वेजिटेबल को कट करके रखी हूँ, लाइक ऑनियन, कैरेट, कैप्सिकम, टमाटर, धनिया। तो सबको मैं मिला लूंगी बैटर के साथ। अच्छी तरह से मिलाने के बाद थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दूंगी तो मेरा बैटर हो जाएगा रेडी। तो बैटर का कंसिस्टेंसी ज्यादा ना गाढ़ा, ज्यादा ना पतला। तो आप चाहो तो इसमें धनिया पाउडर, ग्रीन चिली या रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो, पर मैं नहीं डाली हूँ, बच्चे हैं तो इसीलिए मैं चिली एकदम स्किप कर दिया। और अगर आप रात में आटा वगैरह गूंद के नहीं रखे हो मॉर्निंग के लिए, या मॉर्निंग में प्रॉब्लम हो जाता है आटा गूंद के रोटी या पराठा सेकना, तो फटाफट ये रेसिपी आप बना के देख सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही फटाफट बन जाता है और बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए। और आज ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ क्योंकि मैं पहले से कोई भी प्रिपरेशन करके नहीं रखी थी आज मॉर्निंग के लिए। अब तवा पे देसी घी लगा लूंगी ब्रश की हेल्प से, उसके बाद मैं बैटर डाल दूंगी। ये इस चम्मच का 2 चम्मच बैटर डाल के अच्छी तरह से हल्के हाथों से फैला लूंगी। फैला के मैं एकदम गैस को छोटा करके दोनों साइड से मैं अच्छी तरह से फ्राई कर लूंगी। तो एक के बाद एक इसी सेम प्रोसेस से मैं चीला फ्राई कर लूंगी। चीला फ्राई होने के बाद बच्चों को ब्रेकफास्ट में दे दूंगी और उसके साथ साथ मैं इसके बच्चों का जो लंच बॉक्स है वो भी रेडी करूंगी। तो बच्चों को मैं सॉस के साथ दूंगी, ये स्पेशली अचार चटनी सॉस के साथ ही अच्छा लगता है। तो सॉस लगा के मैं फॉइल पेपर में रैप करके बच्चों को लंच बॉक्स में दे दूंगी। 3-9 का 2, प्रियांशु का 1, क्योंकि 3-9 शेयर करके खाता है। तो उसके बाद बाड़ी आता है, प्रियांशु अब जा रहा है स्कूल, तो प्रियांशु को छोड़ने के लिए जा रहा है जीशु। प्रियांशु ब्रेकफास्ट वगैरह करके एकदम रेडी होकर निकल गए है स्कूल के लिए। तो प्रियांशु जाने के बाद 3-9 का बाड़ी आएगा, 3-9 भी 10:30 बजे के करीब निकल जाएगा। तो बच्चे स्कूल जाने के बाद शुरू हो जाएगा मेरा काम। तो फिलहाल यहाँ पे प्रियांशु जा रहा है स्कूल। तो दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल और देखिए यहाँ पे शुरू हो गया है बारिश। और बारिश के मौसम में इतना अच्छा लगता है पेड़ पौधों को, लगता है एकदम नहा धो के फ्रेश हो गया है, उसका जो कलर है एकदम उभर के आता है, निखर के आता है, एकदम चारों ओर हरियाली हरियाली लगता है। क्योंकि धूल मिट्टी तो होता ही है पेड़ पौधों के ऊपर, पर बारिश होने से वो सारा कुछ धुल जाता है तो एकदम कलर निखर के आता है, एकदम चारों ओर हरियाली हरियाली लग रहा है। तो बारिश जोर से हो रहा है, थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट हो गया। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? तो अभी मैं शावर लेकर पूजा करके अभी जाऊंगी किचन में, क्योंकि नॉनवेज बनाऊंगी तो इसीलिए मैं पहले पूजा कर लिया। अब मैं जाऊंगी नॉनवेज बनाने के लिए। आज हस्बैंड लेकर आए हैं मटन, तो मटन बनाऊंगी एकदम देसी स्टाइल में। तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूंगी, सिंपल सा, ऐसा कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, जैसे आप लोग घर में बनाते हो वैसे ही तो बना रही हूँ, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मैं शेयर भी कर दूंगी। पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ और मेरा सुबह का जो क्लीनिंग डस्टिंग सब कुछ कंप्लीट, मेरा घर एकदम हो गया है नीट एंड क्लीन। तो वो पार्ट मैं शूट नहीं किया क्योंकि एक ही चीज़ अगर बार बार मैं ऐड करूंगी वीडियो में तो आप लोग बोर हो जाओगे, पर मैं हूँ तो एक हाउस वाइफ, मेरा हर रोज़ का यही काम होता है, क्लीनिंग डस्टिंग कुकिंग है ना। तो इसके अलावा और मैं शेयर कर भी किया सकती हूँ, तो कभी कुछ स्किप करके शेयर करती हूँ। तो आज ये वाला पार्ट मैं स्किप कर दिया, पर मैं थोड़ा आप लोगों को दिखा दूंगी कि मेरा घर हो गया नीट एंड क्लीन। तो अभी जाऊँगी किचन में। तो किचन में जाने से पहले और एक काम मुझे याद आ गया, आप लोग पीछे देखो मेरा वॉशिंग मशीन में मैं कवर लगा के रखती हूँ, पर आज कवर को मैं वॉश कर दिया था एकदम अर्ली मॉर्निंग, तो वो ड्राई भी हो गया, तो इसीलिए अभी वॉशिंग मशीन को थोड़ा मैं पोंछ दूंगी, उसके बाद मैं कवर से ढक के रख दूंगी। और किसी मतलब कोई मेरे व्यूअर्स ने बोला था, अभी नाम नहीं याद आ रहा है, कि दी वॉशिंग मशीन को कवर करके क्यों रखते हो, ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में काम करना ठीक नहीं है, कवर करके रखना ठीक नहीं है।
पर मेरा वॉशिंग मशीन तो बेलकुनी में है, वहाँ पे हर वक्त धूप और बारिश के सीजन में बारिश, जैसे अभी बारिश हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा बारिश का जो छींटे होता है बारिश के बूंदे वो भी आके गिर रहा है मशीन के ऊपर, तो क्या होता है मशीन का जो बॉडी है बॉडी का कलर खराब हो जाता है। वैसे भी देखिए डिसकलर हो गया क्योंकि ऊपर का जो पोर्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ओपन ही रहता है जब मैं कपड़ा वगैरह वॉश करती हूँ, तो धूप की वजह से देखिए नीचे का ऊपर का कलर में डिफरेंस आप लोग देख सकते हो, डिसकलर हो गया है। तो इसी वजह से मैं कवर करके रखती हूँ। मुझे भी मालूम है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ में जब हम काम करते हैं तो कवर करके रखना ठीक नहीं है, पर बार बार पॉसिबल नहीं होता। जब मैं दिन में 2-3 बार ऐसा मैं कभी कभी कपड़े धोती हूँ, और नहीं होता एक बार तो ज़रूर, तो बार बार उसका जो कवर है उसे खोल के फिर कपड़े डालना बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए मैं कवर के साथ ही करती हूँ। और अगर मैं कवर नहीं करके रखूँगी तो ये मशीन तो एकदम ख़राब हो जाएगा। वैसे ही बहुत पुराना है, लेकिन पुराना हो तो क्या हुआ, हर एक चीज़ को अगर हम बहुत केयर से रखेंगे, बहुत मतलब उसका केयर करेंगे तो हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट रहता है। तो ये भी मेरा मशीन बहुत पुराना है पर अभी तक ठीक है, अभी तक प्रॉपर तरीके से ये काम करता है, तो इसीलिए मैं इसे इतना ढक ढक के मैं रखती हूँ। अगर मतलब मेरे डाइनिंग में हॉल में रखने का तो जगह नहीं है, तो इसीलिए मुझे वहाँ ही रखना पड़ता है, और वह जो वो जो छोटा वाला टॉयलेट है वहाँ से ही मैं पानी लेती हूँ, तो इसीलिए वहाँ पे ही रखना पड़ता है, तो इसीलिए कवर करके रखना पड़ता है। तो वही, तो चलिए मैं पहले मशीन को अच्छी तरह से पोंछ के थोड़ा सा ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी, उसके बाद मैं कवर चढ़ा दूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में। वॉशिंग मशीन में पोंछ लूंगी गीले कपड़े से। तो आज बहुत दिनों बाद इसको ओपन किया, इसका कवर खोल के मैं वॉश कर दिया, तो इसीलिए मैं पोंछ रही हूँ चारों ओर से, आगे से पीछे से अच्छी तरह से वॉशिंग मशीन को पोंछ लूंगी। पोंछने के बाद थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी, और ड्राई होने के बाद मैं इसका जो कवर है वो लगा दूंगी। ये देखिए कलर डिसकलर हो गया ऊपर से। उसके बाद मैं रूम में आ गई हूँ, मैं थोड़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरा रूम हो गया है नीट एंड क्लीन। तो अगर घर फैला हुआ रहता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कब मैं घर को क्लीन करूँगी। तो पहले मेरा टारगेट वही रहता है कि घर एकदम नीट एंड क्लीन हो, तो तब मन भी अच्छा लगता है, घर में एक अच्छा फ्रेश फीलिंग्स भी देता है। तो मेरे अकॉर्डिंग घर हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो वही मैं रखने की कोशिश करती हूँ। तो मैं शावर लेने से पहले ही, बच्चे जाने के तुरंत बाद ही मैं रूम को क्लीन कर लिया, डस्टिंग वगैरह कर लिया। तो इस प्रेशर कुकर में आज मैं बनाऊंगी मटन। तो चलिए आ गई हूँ मैं किचन में। तो मटन को मैं अच्छी तरह से वॉश कर लिया, अब मैं दही के साथ मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। और उसके बाद मसाला सारा मैं बना लूंगी। तो मैं प्रेशर कुकर चला दिया, इसमें ऑयल भी डाल दिया, ऑयल डाल के खड़ा गरम मसाला जीरा डाल के उसको थोड़ा फ्राई कर लूंगी। उसके बाद ऑनियन डाल के मैं फ्राई कर लूंगी। ऑनियन जब तक फ्राई हो रहा है तब तक मैं जो जो मसाला मैंने बनाया, पेस्ट बनाया, जिंजर गार्लिक अनियन और ग्रीन चिली का पेस्ट बनाया, वो मटन के साथ अच्छी तरह से हाथ से मिला के रख दूंगी, और उसके साथ साथ सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर भी डाल दूंगी। और ड्राई मसाला अभी नहीं डालूंगी, उसका मैं घोल बना के रख दिया, उसे मैं बाद में डालूंगी। तो अच्छी तरह से मिला के और थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी। थोड़ा ऑयल भी डाल दूंगी उसके साथ साथ, और ड्राई मसाला मैं जीरा धनिया और एक चिली पाउडर का घोल बना के रख दिया, वो मैं बाद में डाल दूंगी। तो फिलहाल अच्छी तरह से हाथ से मिला के थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी। मैं हाथ से ही मिला रही हूँ, स्पून का यूज नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से मिलाने से मसाला अच्छी तरह से मटन के साथ जाएगा, और टमाटर भी मैंने डाल दिया। और उधर मेरा ऑनियन फ्राई हो रहा है, तो ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब ऑनियन को थोड़ा साइड में रख के इसमें मैं थोड़ा शुगर डाल दूंगी, शुगर को मेल्ट होने के लिए छोड़ दूंगी। जब शुगर मेल्ट हो जाएगा तो ऑनियन के साथ मिला लूंगी, इससे क्या होता है कलर अच्छा आता है, ग्रेवी का कलर जो है वो अच्छा आता है। तो ये प्रोसेस मुझे पहले करना था जब मैं खड़ा गरम मसाला डाला था तब, पर वो मैं भूल गया था, तो अब मैं ये प्रोसेस कर लिया। तो अभी मैं मटन भी डाल दूंगी, मटन डाल के अच्छी तरह से मटन को मसालों के साथ पकाना है। जितना अच्छी तरह से मैं पकाऊंगी मटन को मसालों के साथ, उसके उसका टेस्ट और उसका कलर उतना ही अच्छा आएगा।
उसके बाद डालूंगी मसाला का जो ड्राई मसाला का जो घोल बनाया था वो डालूंगी और अच्छी तरह से पकाते जाऊंगी मसालों के साथ। उसके साथ साथ मैं पोटैटो भी डाल दिया। पोटैटो मैं पहले से ही फ्राई करके रख दिया था, तो पोटैटो डालने के बाद जब ग्रेवी के साथ मटन अच्छी तरह से पक जाएगा, ऑयल छोड़ देगा, तब मैं पानी डाल दूंगी, गर्म पानी, जितना मुझे ग्रेवी रखना चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैं गर्म पानी डाल दूंगी। डाल के मैं प्रेशर कुकर बंद कर दूंगी और 4 सीटी लगा दूंगी। सीटी लगाने के बाद जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा तो मैं प्रेशर कुकर खोल के एक बार चेक कर लूंगी। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से बन गया है मेरा मटन और कलर भी बहुत अच्छा आया है, इसका टेस्ट भी। आप चाहो तो इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर सकते हो, पर मैं पहले खड़ा गरम मसाला ऐड कर दिया था तो इसलिए मैं गरम मसाला पाउडर नहीं ऐड करूंगी। अब मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लूंगी और ऊपर से कोरिएंडर लीफ ऐड कर दूंगी और कोरिएंडर लीफ ऐड करने के बाद थोड़ा सा ग्रेवी के साथ मिला लूंगी। तो रेडी मेरा मटन, बहुत ही डिलीशियस टेस्टी एंड देसी स्टाइल मटन। तो इसी स्टाइल से अगर आप लोग बनाते हो तो बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही सिंपल है और ग्रेवी मैं ज़्यादा नहीं रखी हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो रेडी मेरा मटन और मटन रेडी होने के साथ साथ आ गया है मेरा प्रियांशु। तो अब मैं ओपन करूँगी दरवाज़ा। तो प्रियांशु का जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसे मैं चेंज करवा रही हूँ और यहाँ पे चल रहा है प्रियांशु का कुछ नखरे, बहुत टाइम बाद मुझे देखा है इसलिए मुझे प्यार कर रहा है। तो अब मैं नहला दूंगी प्रियांशु को और उसका जो स्कूल यूनिफॉर्म है उसे मैं थोड़ी देर के लिए बाहर फैला दूंगी क्योंकि एकदम पसीना पसीना हो गया है। तो मैं वॉशिंग मशीन में कवर चला दिया, मुझे भी मालूम है अच्छा नहीं लगता है लेकिन क्या कर सकते हैं, धूप बारिश से बचाने के लिए मुझे मशीन में कवर करना पड़ता है। ऊपर ये टॉवल मैं बिछा के रखती हूँ, इससे ये और भी सेफ रहता है। और यहाँ पे देखिए आ गया मेरा प्रियांशु। प्रियांशु को मैं नहला दिया, अब प्रियांशु करेगा लंच, है ना? ओके, वो गुड आफ्टरनून बोलेगा हमारा फोन। गुड आफ्टरनून। और देखिए आ छोटा छोटा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो फ्रेंड्स वीडियो को मैं करती हूँ यहीं पे एंड। तो आप सब लोग खुश रहिए, अच्छे रहिए और मेरे ब्लॉग के साथ रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, उससे मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स अगर वीडियो कहीं से भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब सबसे मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू अगेन नेक्स्ट ब्लॉग।